किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल भोपाल स्थित रातीबड़ पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की चौपाल लगाकर उन्हें कृषि बिलों से होने वाले लाभों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने किसानों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में बताया, जिससे उन्हें अपने कब्जे वाली जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज दिए जाने हैं। कमल पटेल गांव-गांव पहुंचकर किसानों को केंद्र के कृषि बिल के महत्व को समझा रहे हैं। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल रातीबड़ पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हो गए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मकानों का स्वामित्व मिल जाने पर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इन मकानों के एवज में किसान बैंक से लोन लेकर अपने उद्योग लगा सकते हैं। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि उद्योग लगने से किसानों की आय 2 गुना 3 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी व्यापारी कृषि उत्पाद से सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं, यह लाभ भी किसानों को मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। नए कानून के आने के बाद किसान सिर्फ खेती नहीं करेंगे, वे उद्यमी भी बनेंगे, व्यवसाय कर सकेंगे। किसान अपने खेतों में सिर्फ टमाटर ही नहीं उगाएंगे, वे फैक्ट्री लगाकर टमाटर सॉस भी बनाएंगे। वे आलू ही नहीं उगाएंगे, बल्कि आलू चिप्स बनाने के लिए उद्यम भी स्थापित कर सकते हैं। कमल पटेल ने किसानों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँव में अधोसंरचना विकास के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। सब टैक्स नहीं करते, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट खेती है। अभी हमने लगाया टमाटर, अच्छे फायदा हुआ, तो बाकी किसानों को जाए इसमें फायदा अच्छा। कमल पटेल ने इसमें 5 लाख 10 लाख 1 लाख कमा दी, तो सारे टमाटर लगा दिए। जब रेट अच्छे होंगे तो वो रेट अगली बार भी जाएंगे, घाटा हो जाता है। रुपये मकान के लिए और उद्योग के लिए भी जाएगा, तो 40% तो उद्योग पर सब्सिडी 5 साल दे देंगे, नेक्स्ट में छूट है। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी, सब शहर के लोग आके बनाते हैं, गाँव वाले नहीं बना सकते। और उसके बाद वेयरहाउस के ऊपर 33% महिला पे 25% की, अब ये गांव वालों को मिलेगा, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया मौजूद मिले। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।